नमस्कार साथियों, अब आपको घर बैठे राशन देने की तैयारी भजनलाल सरकार ने कर दी है। देखिए पूरी खबर शर्मा। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां घर बैठे राशन खाद्य सुरक्षा के तहत प्रदेश में चयनित लाभार्थियों के घर राशन पहुंचेगा। 18 वर्ष से कम, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगजनों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाने की कवायद शुरू की जा रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये जो कदम उठाया गया है, इसके क्या कुछ प्रोविजन है? देखिए, वैसे तो तत्कालीन गहलोत सरकार ने भी इस तरह का एक सर्कुलर निकाला था, लेकिन अब राजस्थान की भजनलाल सरकार है और खाद्य सुरक्षा के तहत प्रदेश में जो करीब चयनित जो 18 साल से कम उम्र के लाभार्थी हैं, जिनके घर में 18 साल से ज्यादा के कोई मेंबर नहीं है, उनको इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन है, उनके घर में 60 साल से उम्र के कोई लोग नहीं है उनको, और साथ में जो विशेष योग्यजन है, जो ऐसा है, उनके घर बैठे ये सुविधा देने का यहाँ पर ऐलान किया है। देखिए, राजस्थान में वैसे तो 4.46 लाख यूनिट उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण है वो किया जाता है, लेकिन इनमें से 9 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि इस जन कैटेगरी में आते हैं। इसकी फाइल की मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भिजवाया गया है। मंजूरी मिलने के साथ ही कह सकते हैं कि 1 जुलाई से घर बैठे इन 3 श्रेणी के जो लाभार्थी हैं, उनको होम डिलीवरी घर बैठे राशन दिया जाएगा। इसके लिए OTP, यानी कि अब तक तो आप बायोमेट्रिक से राशन देते थे, लेकिन क्योंकि ये 3 कैटेगरी जो निर्धारित की है, इसको OTP के माध्यम से ये राशन दिया जाएगा। इसके लिए बैग है 10 किलो के, वो तैयार किए जा रहे हैं, और इसपे करीब अप्रोक्सीमेटली जो अभी तक का जो बजट है उसमें करीब 26 करोड़ रुपए का जो भार है वो आएगा, जिसमें 6 करोड़ रुपए कह सकते हैं कि करीब जो थैले आएंगे, पैकेट्स आएंगे जिनमें पैक होके जाएगा उस पर, और 20 करोड़ रुपए का राशन डीलर्स का जो कमीशन मिलेगा उसको लेकर ये भार आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस योजना से, इस कवायद से 3 कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी, कि वो अब राशन की दुकानों पर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनके घर बैठे ये राशन आएगा। हालांकि इस पर अमली जामा पहनाना अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जब इस योजना का इसका सर्कुलर निकाला था तो इसको ज्यादा अमली जामा नहीं पहनाया गया था, लेकिन भजनलाल सरकार चाहती है कि जो ऐसा लोग हैं, जो विशेष योग्यजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन है और 18 साल की कम उम्र के जो ऐसे लाभार्थी हैं, उनको घर बैठे राशन मिले, इसलिए कवायद है वो शुरू की गई है। बिल्कुल दीपक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।